और लखनऊ से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर बड़ा हादसा हुआ है। एक्सप्रेसवे पर चार बाइकों में भीषण आग लग गई। एक शख्स की जलकर मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। बड़ा गांव अंजपास के पास की ये पूरी घटना है और बड़ा हादसा, चार बाइक जल गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से ये बाइक जल रही है। इसके अलावा काफी भीषण आग है, इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर है। बड़ा गांव अंडरपास के पास की पूरी घटना है। आगरा एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर ये हादसा हुआ। जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया और किसी तरह आग पर काबू पाया गया है। एक्सप्रेसवे पर चार बाइकों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ये सारी बाइक्स क्षतिग्रस्त हो गई। हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे इन बाइकों में आग लगी, क्या सब सुरक्षित हैं? ये आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में एक बार फिर रफ्तार ने लोगों की जिंदगी छीन ली है। दरअसल आगरा एक्सप्रेसवे पे तेज रफ्तार में एक बाइक सवार जा रहा था, उसने एक सामने वाली बाइक में टक्कर मारी। इसके बाद क्रम शुरू हो गया, ताबड़तोड़ तीन बाइकें और एक स्कूटी आपस में हादसे के बाद अनियंत्रित होकर गिर गईं और गाड़ियों में धू धू करके आग जलने लगी। तीन बाइकें और एक स्कूटी के आग का गोला बनने से पूरे आगरा एक्सप्रेस से हड़कंप मच गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत आग को काबू पा लिया। वहीं मामले में बता दें कि एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं करीब तीन लोगों के झुलसने की सूचना रही, जिनको हॉस्पिटल में गंभीर रूप से भर्ती कराया गया है। वह भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे। तो कहीं ना कहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि राजधानी की सड़कों पर ताबड़तोड़ रफ्तार की कहर जारी है और आज दिन सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है। लेकिन हाईवे जैसी जगह पर रफ्तार का कहर अगर देखा जा रहा है तो तमाम सवाल खड़े होते हैं, क्या चेक पॉइंट नहीं बने हैं वहाँ पर? इसके अलावा क्या पुलिस पेट्रोलिंग करती है समय रहते रहते? जी, आपको जैसा कि बता दें कि जहां एक पेट्रोलिंग के अलावा स्पीडो मीटर भी लगाया गया है एक आगरा एक्सप्रेस वे व अन्य बड़े हाईवे पर भी स्पीड को कंट्रोल करने के मीटर्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग अनियंत्रित होकर गाड़ियां चला रहे हैं, बेकाबू रफ्तार में भाग रहे हैं, आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के दावे और प्रशासन के दावे स्पीड को कंट्रोल करने के किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं और महकमा किसी न किसी प्रकार से लोगों की रफ्तार पर काबू करने में नाकाम साबित हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इन चारों बाइकों में आग लगी है, भीषण आग लगी। लेकिन फिलहाल जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति की मौत हुई है और एक गंभीर रूप से घायल है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.